बालूशाही बनाने के लिए मैंने इस कप से 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें मैं चुटकी भर नमक डालूंगी। नमक डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाएगा, तो मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी और सबको मिला लेते हैं अच्छे से। मैं 1 कप घी ले रही हूँ। घी डाल करके इसमें बनाए, नहीं तो ये क्या होता है ना, ये ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। घी ऑयल डाल करके, या तो आप ऑयल में फ्राई करें या फिर घी में फ्राई करें, लेकिन इसके अंदर आपको घी डालना ज़रूरी है। ये और ना इसको सानना नहीं है, बस इसको घी में मिलाना है। ये देखिए, इसको जोड़ना है, एक एक मैदा को जोड़ देना है। डालूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है चम्मच से। ये देखिए, मैं चम्मच से पानी डाल रही हूँ। इसको सानना बिल्कुल नहीं है गाइस, इसको बस जोड़ना है, हर मैदा को जोड़ना है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं और पानी डालूंगी इसमें। सानना नहीं है, मैंने फिर कहा। इसको मैं ढक करके छोड़ दूंगी आधे घंटे तक। बालूशाही के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो मैं 1 कप, इसी कप से, मेजरिंग कप है मेरा, मैं इसी से हमेशा मेज़र करती हूँ गाइस। तो मैं इससे 1 कप पानी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं इसी कप से नाप करके 1 कप चीनी डाल रही हूँ। 1 कप और, देखिए 1 कप और डाल रही हूँ, थोड़ा सा कम है। और बस इसको चलाना है इस तरह से। और इसमें भी ना एक ट्रिक है गाइस, सब ऐसे तो चाशनी बनाना मैं बता ही हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं मिठाई का चाशनी, बट इसको मैं आज अलग तरीके से बताने जा रही हूँ। तो मैं फ्लेवर के लिए 2 इलायची कूटी हुई डाल दूंगी इसमें, और ये जब घुल जाएगा उसके बाद आप फूड कलर डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हैं, या फिर केसर डाल सकते हैं, आपका टोटली चॉइस आपका है गाइस। तो इसको मैं जब गलने के लिए छोड़ देती हूँ, ये गल जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा चाशनी बनाना है। गाइस मैं यहाँ पे फूड कलर नहीं डाल रही हूँ, फूड कलर नहीं डालना चाहिए गाइस, और केसर बहुत महंगा है। इसे हल्दी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, खाने वाली हल्दी है गाइस। आप देख सकते हैं कि मैं कम फ्लेम पर ही चाशनी बनाई हूँ और 1 तार हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए लास्ट वाला बूंद एकदम धीरे धीरे गिरेगा। ये देखिए, तो चाशनी की 1/2 घंटा हो चुका है। तो कितना बढ़िया ये सन गया है। बस इसको हम क्या करेंगे, कितना बढ़िया लेयर वाला देख रहे हैं, इस तरह से गोल कर देना है और उंगली से भी मैं करके दिखा रही हूँ, उंगली से भी अच्छे से आप कर सकते हैं इस तरह से दोनों साइड। देखिए, तो आप देख सकते हैं तेल एकदम नॉर्मल गर्म है। मैं थोड़ा सा आपको डाल करके इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आराम से नॉर्मली धीरे 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 ये ऊपर आएगा। ये देखिए, तो अब इसमें चलते हैं, डाल देते हैं बालूशाही। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ। बालूशाही एकदम जल्दबाजी नहीं करना है गाइस, एकदम धीरे 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 बनाना है इसको। देखिए, अब देख सकते हैं कि ये ऊपर आ चुका है। ये जब ऊपर आ जाता है ना, ये फूल जाता है। ये देखिए कि मैं फ्लेम तेज कर दी हूँ और इसको बस इस तरह से देखते हैं कि ये ब्राउन हुआ है कि नहीं। उसके बाद एक एक करके हम इसको पलटाएंगे। ये देखिए, ब्राउन नहीं हुआ है, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं पलटा दी हूँ इस सबको। ये देखिए, सबको पलटा दी हूँ। ये देखिए, एक एक करके आप पलटा दीजिए और इसको कम फ्लेम में, अब कम कर दी हूँ मैं गैस, और कम पे इसको पकाना है, ये पूरा ब्राउन कलर हो जाए उसके बाद इसको हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस बालूशाही बन गया है, रेडी है। तो मैं बस इसमें से 1 पीस निकाल रही हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए,
चाशनी देख रहे हैं आप, बस इसको चाशनी में डुबाना है, ये देखिए, और बस थोड़ी देर छोड़ना है, गर्म है, बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगा। तो चाशनी में ऊपर से ऐसे करके डाल रही हूँ, दो चार मिनट इसको छोड़ दीजिए और फिर निकाल लीजिए और उसके बाद इसको एंजॉय कीजिए। तो गाइस आप इस तरह से बालूशाही को निकाले रस में से, इस तरह से डेकोरेट कर दे, जो भी ड्राई फ्रूट्स है आपके पास वो आप डाल के खा सकते हैं। गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, वो भी फ्री में मिलते। तो गाइस मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, ये देखिए कितना जूसी और कितना टेस्टी बना हुआ है, ये देख लीजिए।